Hello friend, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Legofor 600 mg tablet. So friends, without wasting more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन रोल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लीजोफोर 600 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, लीजोफोर 600 mg टैबलेट एक सुपीरियर एंटीबायोटिक होता है। सुपीरियर मतलब बहुत बेहतरीन एंटीबायोटिक होता है, जो कि ऑक्साजोलिडिनोन ग्रुप से बिलोंग करता है। ऑक्साजोलिडिनोन, जैसे मैंने बताया हुआ कि बहुत सारे जितने भी मेडिसिन होते हैं, जितने भी एंटीबायोटिक, हर का कुछ ना कुछ ग्रुप होता है। जैसे मैंने बताया था लिगोफ्लोक्सासिन होता है जो फ्लोरोक्विनोन ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक उसी तरह ये जो मेडिसिन है, ठीक है, लीजोफोर्स, ये ऑक्साजोलिडिनोन्स ग्रुप से बिलोंग करता है, कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पे आ जाता है, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके ड्रग इंटरेक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में डिटेल से। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट, कि सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो बहुत नामी है। इस मेडिसिन को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दिस मेडिसिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 4 tablets होते हैं, मतलब थोड़ा टैबलेट की संख्या 4 ही होती है, ठीक है। जैसे आप इसके एक स्ट्रिप में 4 tablets होते हैं और जिसकी कीमत आपको मार्केट में 115 से 120 रुपए के आसपास मिलती है। ये मेडिसिन थोड़ा महंगा आता है क्योंकि सुपीरियर एंटीबायोटिक है, तो थोड़ा महंगा आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ। अब चलिए बात करना चाहेंगे कौन सा मोलिक्यूल इसके अंदर पाया जाता है। फ्रेंड्स, विच मोलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन के अंदर कौन सा मोलिक्यूल्स पाया जाता है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन के अंदर बेसिकली लिंजोलिड या लाइंजोलिड, दोनों साउंड बोलते हैं लोग, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस स्पेलिंग सेम रहता है, ठीक है। लिंजोलिड या लाइंजोलिड मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, जो कि एक सुपीरियर एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट रखता है। अब सुपीरियर का मतलब मैं थोड़ा यहाँ पे समझाना चाहूँगा। सुपीरियर मैं क्यों इसको कह रहा हूँ, बहुत सारे जो एंटीबायोटिक है, जैसे सेफोडॉक्सिन हो गया, आपको सेफ्टेरियाक्सोन हो गए, फिर मोनोसेप, इसमें जो भी आपने चला रखा है एंटीबायोटिक पहले से, ठीक है, और उसमें रेजिस्टेंस हो गया, वो बॉडी में काम नहीं कर रहा है ठीक ढंग से, तो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया। मान लीजिए जो आपने इंजेक्शन चलाया, ठीक है, जैसे सेफ्टेरियाक्सोन हो गया, ठीक है, फिर आपको सेफोरॉक्सिमेक्सटिल हो गया, जो भी इंजेक्शन आपने चलाया 1 ग्राम 1.5 ग्राम, अगर उससे भी बैक्टीरिया किल नहीं हो रहा है, वो रेजिस्टेंस हो जा रहा है, तो उसके बाद सबसे लास्ट जो च्वाइस बचता है डॉक्टर के पास, वो यही एंटीबायोटिक बचता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस मेडिसिन जो होते हैं, जो बॉडी के प्रति रेजिस्टेंस हो, उस पर भी ये काम करती है बढ़िया से और शानदार तरीके से। तो डॉक्टर का सबसे लास्ट ऑप्शन जो होता है एंटीबायोटिक में, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हुआ और ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, आपने बहुत सारे मेडिसिन चला दिए हैं, 1 ग्राम में सेफ्टेरियाक्सोन चला दिए हैं, सेफोरॉक्सिमेक्सटिल चला दिए, सेफोरॉक्सिमेक्सटिल चला दिए हैं, सेफोपेराजोन चला दिया हो, फिर भी नहीं सुन रहा है, तब लास्ट में डॉक्टर के पास यही एक चॉइस होता है, लाइंजोलिड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो होते हैं मेडिसिन या बैक्टीरिया, उस पर भी ये जबरदस्त काम करता है, बहुत जबरदस्त, इसलिए मैं इसको सुपीरियर एंटीबायोटिक बोल रहा था उस समय से। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अब समझ में आएगा। अब चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज का, इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल तो मैंने पहले ही बता दिया, जब पहले से हार जाओगे, ये सब सारे दवा चला के 1 ग्राम 1.5 ग्राम चला के अगर नहीं सुन रहा, तब तो इस्तेमाल करना ही है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन उसके अलावा भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त चीज़ों में किया जाता है, डिजीज में किया जाता है। पहला है न्यूमोनिया, लंग्स इन्फेक्शन जिसको आप बोल सकते हो, और न्यूमोनिया में इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त किया जाता है। अगर न्यूमोनिया, कोई व्यक्ति न्यूमोनिया से, क्रोनिक न्यूमोनिया हो, चाहे जैसा भी न्यूमोनिया सफ़र कर रहा, और उसमें कोई दूसरा एंटीबायोटिक नहीं सुनवाई ले रहा है, तब आप इसको डॉक्टर द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जिसको आप बोल सकते हो, बुंड मतलब क्या, घाव, घाव को भी सुखाने में इसका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। मेरे सामने का एक केस है कि एक व्यक्ति को पैर में जो होता है ना, ठीक है, पैर में बहुत बड़ा घाव हो रखा था, ठीक है, और सूख नहीं रहता, तो जब वो 1.5 ग्राम 1 ग्राम सूख नहीं रहता, अमिकासन सब चला रहे थे लोग, नहीं सूख रहा,
तब लास्ट में डॉक्टर ने एडवाइज किया कि लाइंजोलिट इसको चलाइए और लाइंजोलिट के माध्यम से उसको सुखा दिया घाव को। तो इसलिए इस मैं ये इस बात को आसानी से कह सकता हूँ कि मैंने ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने देखा इस चीज़ को, उसमें बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो लाइंजोलिट का इस्तेमाल दूसरा इसका कहते हैं घाव को सुखाने के लिए, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन बोलो या बुंड को हीलिंग करने के लिए इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसके दो इस्तेमाल और कुछ करते हैं अपने डॉक्टर अनुभव के अनुसार लेते हैं, जैसे ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, उसमें भी डॉक्टर अपने दो इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी यूसेज आपको समझ में आएगा। निमोनिया या लंग्स इन्फेक्शन उसको बोलो आप, ठीक है। उसके बाद इसको कहते हैं बुंड को हीलिंग करने के लिए सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन बोलते हैं, उसके बाद ईयर और आई इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए बात करना चाहेंगे मोड ऑफ एक्शन, इसका मोड ऑफ एक्शन होता कैसे, क्या काम करता है। फ्रेंड जैसे ही इस मेडिसिन को आप गल्प करते हैं लेते हैं, ठीक है, ये क्या करता है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसमें प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो और बैक्टीरिया को जन्म देगा, तो ये उस प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, जाकर रोक देता है। और प्रोटीन सिंथेसिस जैसे ही रुकेगा बैक्टीरिया का फिर जन्म होना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे वो स्वतः मर जाएगा। इस तरीके से काम, एक और तरीके से ये काम करता है, ये जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है उसको भी जाकर ये किल कर देता है। इस तरीके से भी ये काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका मोड ऑफ एक्शन आपको समझ में आया। अब चलिए बात करना चाहेंगे इसका कंट्राइंडिकेशन का। हर फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन होता है, और बिना कंट्राइंडिकेशन चालू जाने उस मेडिसिन को आप किसी को दीजिए मत, एडमिनिस्टर मत कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका पहला कंट्राइंडिकेशन है, अगर कोई व्यक्ति लीवर की डिजीज से सफर कर रहा है तो उसे आपको नहीं देना है, उसे डॉक्टर की देख रेख कर में ही देना है, डॉक्टर ही बताएंगे। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किडनी की डिजीज से भी सफर कर रहा है तो उसे भी आपको इस मेडिसिन को नहीं देना है। उसके बाद बात करते हैं अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो उसे भी इसे नहीं देना। अगर जो भी देना हो वो गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में दिया जाएगा, वो आप खुद नहीं चला सकते हो, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में दिया जाएगा इसको। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा, शानदार तरीके से समझ। अब चलिए बात करना चाहेंगे इसका ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ड्रग इंटरेक्शन होता है, लेकिन इसका ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये काम भी तो बहुत शानदार करता है ना। सुपीरियर लेवल का एंटीबायोटिक है तो इसका ड्रग इंटरेक्शन भी होता है। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं कौन कौन ड्रग के साथ आपको इसको नहीं देना है। पहला याद रखिएगा अस्थालिन, जिसको आप सुनते होंगे, सालबुटामॉल जिसमें पाया जाता है, उसके साथ आप इसको नहीं देना, इस बात को याद रखिएगा। इसका साथ ड्रग इंटरेक्शन इसका बहुत खतरनाक है। फिर डाइफेंड्रामाइन जो सर्दी जुकाम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, सिट्रिजिन की जगह पे, तो उसके साथ भी इसको नहीं देना, उसके साथ भी इसका ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं रिफाम्पिसिन आप सुने होंगे, इथाम्बिटॉल भी सुने होंगे, इथाम्बिटेनॉल भी सुने होंगे, जो कि टीबी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो रिफाम्पिसिन के साथ भी आपको इसको नहीं देना। उसके बाद कहते हैं फुरसोमाइड, जो वाटर रिटेंशन को रिमूव करने का काम करता है, जब ज़्यादा वाटर हो जाता है शरीर में तो उसको निकालने का काम करता है, लैसिक्स आपने सुना होगा, ठीक है, बिल्कुल उसी का ये कंपोजिशन है, मोलिक्यूल्स है, इसके साथ भी आपको नहीं देना। उसके बाद हम कहते हैं ट्रामाडोल तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो जाके, ट्रामाडोल के साथ भी आपको उसको नहीं देना। उसके बाद कहते हैं ओंडेम का ओंडनास्टेरोन, उसके साथ भी मतलब जो उल्टी के लिए इस्तेमाल किया था दवा, उसके साथ भी आपको इसको नहीं देना। इन जो सारे ड्रग्स मैंने बताया इन ड्रग्स के साथ आपको नहीं देना, क्योंकि इसका ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इस बात को ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका ड्रग इंटरेक्शन भी आपको समझ आए। एक्चुअली बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के, फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक उसी प्रकार अगर हायर एंटीबायोटिक है सुपीरियर एंटीबायोटिक है तो कुछ ना कुछ इसका साइड इफेक्ट्स होता है। तो फ्रेंड्स नंबर वन साइड इफेक्ट्स है रेड स्पॉट्स ऑन द बॉडी, कि आपके जो बॉडी है उस पर क्या रेड स्पॉट मतलब लाल लाल चकते चकते फोरे टाइप के बन जाएंगे, ये इसका साइड इफेक्ट है। दूसरा है नोजिया एंड वोमिटिंग, आपको उजी मिचलाएगा, उल्टी करने का दिल करेगा। उसके बाद कहते हैं ये रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, डिक्रीज करता है, उसके काउंटिंग को क्या करता है, डिक्रीज, ये भी इसका साइड इफेक्ट है। उसके बाद कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द करेगा, ये भी इसके साइड इफेक्ट्स है। फिर कहते हैं लूज मोशन भी हो सकते हैं, उसके बाद कहते हैं लूज मोशन मतलब डायरिया जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे साइड इफेक्ट्स आपको समझ में, अगर इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट्स दिखे आप अपने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि इसकी जगह पर कोई दूसरा मेडिसिन डॉक्टर चला सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट्स आपको समझ में। एक्चुअली बात करना चाहेंगे इसके डोजेज के बारे में, तो डोज तो फ्रेंड्स जब भी डोज कैलकुलेट किया जाता है तो वो सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट की हालत कैसी है, क्या परिस्थिति है, उसके अनुसार दिया जाता है। लेकिन जनरली इसको हम डोज में अगर जाए मेडिकल टर्म में तो 10 मिलीग्राम प्रति केजी दिया जाता है, 10 मिलीग्राम प्रति केजी दिया जाता है। और ऐसे डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार पे 1:OD या 1:BD का इस्तेमाल करते हैं। 1:OD मुश्किल से 5 दिन तक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा परेशानी हो, नहीं सुन रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा बूंद हो, बहुत बड़ा घाव हो, तो उसको सुखाने के लोग डॉक्टर 10 दिन 15 दिन तक भी इसका 1:BD का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि लीजोफोर्स आपको बढ़िया से शानदार तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो कि कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इसका
कब देते हैं, क्या इसकी यूसेज होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, सारी बातें अच्छे समझें फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का।